हेलो नमस्कार सलाम से श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और वाटरफॉल पे। एक्चुअली ब्लॉग में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल हो रहा है ना। एक्चुअली बारिश में तो महाराष्ट्र में रहने वाले को कंटेंट तो सबसे ज़्यादा तो यही होता है, बाकी का हाँ मुझे फोर्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत, और पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके भी ब्लॉग आने वाले हैं बहुत जल्दी। बट अभी जिधर आए तो उधर तो उसका तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसके लिए लगे हुए। बाकी का ये है वाटरफॉल का नाम है अर्जुन काड़ा वाटरफॉल, और जो कि है खारघर में। एक्चुअली खारघर में उत्सव चौक के पास में, उत्सव चौक करके एक जगह है उसके पास में। बाकी खारघर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी बोलेंगे तो बाई वॉकिंग भी आप तो आ सकते हो, बाई वॉकिंग आपको 10 मिनट लगेगा, और अगर इससे आ रहे हो ऑटो से तो 5 मिनट लगेगा, 5 से 8 मिनट लगेगा, और 10 रुपये का फेयर है कुछ, उतने टाइम में भी आप आ सकते हो। और बस वही है, और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पूरा ट्रेकिंग वहाँ तक का। और ये देखिए, ये यहाँ से कुछ ऐसा वाटर क्रॉसिंग है, और ये इधर से पूरा पानी आ रहा है, ये देखिए इधर से पूरा। और ये हम लोग इधर से ये वाले ये रास्ते से जाएंगे, ओके। और ये देखिए इधर से ऐसा जाने का है पूरा, और ये थोड़ा सा ना पानी में से जाना पड़ेगा क्योंकि इधर ये पूरा कीचड़ है, ये आराम से जाना पड़ेगा। और ये इधर देखिए, ये थोड़े ये कीड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं वो पता नहीं, तो आपको मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे पानी में से जाना पड़ता है, बस ज़्यादा दूर नहीं है ये इधर से, फिर यहाँ से अलग से आपको एक रास्ता मिल जाता, आप यहाँ से जा सकते हो। बट ये मेन बड़ा बड़ा घास है ना, तो उसमें कुछ सांप वूप छुपे हुए रहते हैं, उसके लिए डर है। और ये देखिए, ये सामने ये है वाटरफॉल, ओके। ऐसे यहाँ तक का ट्रेकिंग कुछ इतना हार्ड नहीं है, आराम से जा सकते हो, बट थोड़ा प्रिकॉशन ले कर चलना है यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा ये इधर पूरा ऐसा रास्ता जाता है, बाकी उधर से भी थोड़ा रास्ता है, पर मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना, तो इसके लिए थोड़ा सा भूल गया हूँ रास्ता, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये ऐसे जगह में से जा रहा हूँ। बट इधर भी लोग ना पिकनिक मना के पूरा गंदा करके रखे हैं, सब जगह पे रैपर्स पड़े हुए हैं चिप्स के, ये देखो पानी के बॉटल्स पड़े हुए हैं यार। और ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखिए इधर गंदगी, सुधरेंगे नहीं हम, इंसान है ना हम, सुधरेंगे नहीं कभी, क्योंकि सुधरने का नाम ही नहीं लेते तो सुधरेंगे कैसे, वो भी तो चीज़ है ना, है क्या नहीं। आने दो, अभी कितना बोलूँ मैं, बोल के थक गया, पर लोग है क्या सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं मतलब सुनने को ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मतलब कोई है ही नहीं ना। और अब ये देखिए, ये पूरा ऐसा पानी आ रहा है, और यहाँ पे आई थिंक से होगा स्लिपरी, तो थोड़ा प्यार से और आराम से जाना है ना, नहीं तो फिर हो जाएगा मुश्किल। लिए अभी वहाँ तक चलते हैं, और एक्चुअली इधर आने के लिए आपको इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, आप अच्छी तरह से आ सकते हो, ये अच्छा है। बाकी का रास्ता देखिए, रास्ता तो मिल ही जाता है, ये देखिए ये पूरा ऐसा रास्ता है इधर से ये बना हुआ ऐसे ऐसे, और आगे में जाके आपको फिर से पानी में से जाना पड़ेगा, तो एकदम प्यार प्यार से जाइए। ये पूरा रास्ता बना हुआ, और ये देखिए इधर लोगों ने सही गंदा करके रखा है, दारू भी पिए, हाँ यार पब्लिक सुधरेगी नहीं, आने दो यार, क्या बोलूँ मैं। चलिए अभी चलते हैं वहाँ तक। अब ये अलग से एक ऐसा क्रॉसिंग आ गया है, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बारिश भी रुकी थी, और बारिश है नहीं, मौसम खुला हुआ है, और ये पानी के वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। तो ऐसे जगह पे आप आ रहे हो ना, तो बारिश में मतलब ज़्यादा बारिश है तो आप
अवॉइड करो आना, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा। अब देखिए ये इधर से आ गए, अब फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भाई नहीं है, है ना। तो अभी मैं थोड़ा प्यार से आराम आराम से चढ़ रहा हूँ, और ये देखिए एकदम प्यार से, और ये देखिए ये पूरा ये ऐसा है ना। और अब यहाँ से फिर से एकदम प्यार प्यार से जाना है, और फिर यहाँ से ये देखिए एक इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी जा सकते हो आप आगे से, और ये इधर से रास्ता है, बट बेटर है अपन ये रास्ते से चले, और एकदम आराम आराम से चलो, कोई घाई नहीं है, पत्थर बड़े बड़े हैं, चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। ओके, सो बी केयरफुल। बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं है, बट ये देखिए, और ये रहा सामने ही वाटरफॉल है, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, अभी जस्ट पहुंचने वाले। पर अब देखिए यहाँ से जाने इधर ऊपर चढ़ के जाना है, और इधर से किधर से रास्ता है ही नहीं, तो भी थोड़ा चढ़ लेते हैं। अब चढ़े कहाँ से वो मैं सोच रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, लो जगह सोच रहा हूँ मैं, और ये है ना पत्थर हैं वो स्लिपरी है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से चढ़ूँ। तो स्ट्रगल है दोस्तों। ये भैया तुम कहाँ जा रहे हो? और ये आ गए हैं हम लोग ऊपर, थोड़ा सा बस और जाना है, और एकदम आराम से प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। ये देखिए ये रहा ये झरना, अब यहाँ से ऊपर जाना है, उसका एक अलग स्ट्रगल है, ठीक है ना। ये देखिए ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये रहा सामने ये वाटरफॉल, यहाँ क्या यहाँ पे इधर ना लोग बहुत कमीने हैं यार, दारू पी के क्या क्या नहीं करके रखे हैं, अरे बॉटल्स फोड़ दिए हैं यार, क्या मतलब है यार, हट बोल नहीं सकते। और ये दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये रहा ये मेन वाटरफॉल। ओके, एक ये रहा और एक ये इधर है, इधर तो दिख नहीं रहा हो वो झाड़ियों के वजह से, आपको आगे दिखाता हूँ मैं। अब ये देखिए ये रहा ये दूसरा वाला, इसी में ही है ना, यहाँ पे दो जगहों से पूरा पानी आता है, ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, वाह। अभी यहाँ से आप आगे भी जा सकते हो, पर आगे जाने के लिए थोड़ा सा रिस्क नहीं है, बट आराम आराम से जाना है, क्योंकि आपको कुछ चोट घाट ना लगे, वही चीज़ है, बाकी का और कुछ नहीं है, थोड़ा सा और बाकी ये स्लिपरी ना हो, पत्थर तो स्लिपरी नहीं है वैसे, और बारिश नहीं हो रही है तो बेटर है। और ये देखिए ये मैं आ चुका हूँ वाटरफॉल के नज़दीक, और ये देखिए ये पानी ऐसा गिर रहा है, और ये देखिए ठीक है ना, ये देखिए ऐसा। Thank you.
ओके, तो अब यहाँ से रिटर्न होने की तैयारी है दोस्तों। वही आराम से उतरना पड़ेगा और जैसे आए हैं वैसे जाना भी पड़ेगा नीचे आराम आराम से, नहीं तो फिर अभी चढ़ने में तो आपको मज़ा आता है, उतरने में उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसके लिए आराम आराम से उतरूँगा। ठीक है, देखिए आप प्लान कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, मस्त है, आराम से भी आप आ सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है, पूरा सेफ प्लेस है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, तो बाकी का मिलता हूँ मैं आप सबसे और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बने रहिए मेरे चैनल पे इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। और आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, छोटे भाई को, ताकि आपको और कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं और मुझे मोटिवेशन भी मिले। ओके, और ये देखिए, ये अभी ऐसा जाना पड़ रहा है और ये सामने रहा खारगा सिटी। वाओ, दिस लुक्स डैम ब्यूटीफुल, सच में बोलता हूँ यार। अभी यहाँ से जाना है और ये देखिए, ये पानी यहाँ से पूरा प्रेशर में जा रहा है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं आप सबसे और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ढेर सारा ध्यान रखिए।